Today I'm going to teach you passive voice, okay? What is active and what is passive? I will give you some examples. Suppose here we have what? Milk. But the milk is drunk. The milk is drunk. Now यहाँ हमें नजर आता है कि यहाँ दूध था. क्या था? दूध. वो दूध किसी ने पी लिया. अब हमें मालूम नहीं कि वो शख्स कौन था जिसने दूध पिया. क्या? वो शख्स कौन था जिसने दूध पिया, यानी काम करने वाला का पता नहीं, और जिस जो चीज है जिस पर काम हुआ है वो मौजूद है. समझ रहे हो? तो हम क्या कहेंगे इसको? द मिल्क इज ड्रंक. द मिल्क इज ड्रंक. अब अगर हमें पता है कि ये किसने पिया है, तो कोई अगर कहेंगे तो वो कैसे कहेंगे? सपोज अली ड्रैंक द मिल्क. अली ड्रैंक द मिल्क. द मिल्क वॉज ड्रंक. द मिल्क वॉज ड्रंक. अली ड्रैंक द मिल्क. द मिल्क इज ड्रंक. क्लियर? अब सपोज यहाँ पर कोई चीज मुर्दा हालत में मौजूद है. चीज मौजूद है लेकिन उस चीज को जिसने मारा है या हलाक किया है उसका पता नहीं. तो इस वक्त हम इसको पॉइंट आउट करेंगे जो जिस चीज पर काम हुआ है. द कैट इज किल्ड. द कैट इज किल्ड बाय समवन. नाउ वी विल नॉट से बाय समवन. द कैट इज किल्ड मींस कोई आया है बिल्ली को मारकर चला गया है. समझ रहे हो? कोई आया है बिल्ली को मारकर चला गया है. अब अगर हमें पता है कि यहाँ पर चीज भी मुर्दा पड़ा है और वो शख्स भी है रेड हैंडेड, उसे पकड़ा गया है, ठीक है, तो हम कहेंगे ही हैज किल्ड द कैट. ही हैज किल्ड द कैट. और अगर हम इसको पैसिव में बताएंगे, द कैट हैज बीन किल्ड बाय हिम. समझ रहे हो? अंदाज यानी जिस पर काम हुआ है, अगर हम उसको पहले सब्जेक्ट में लाएंगे तो वो पैसिव सेंटेंस होंगे. जिसने काम किया है उसको हम पहले लाएंगे, जिस पर काम हुआ है उसको बाद में ऑब्जेक्टिव के तौर पर वहां लिखते हैं तो वो क्या होगा? एक्टिव सेंटेंस होंगे. ठीक है? बेसिकली वी हैव हाउ मेनी टेंसेस? हाउ मेनी टेंसेस वी हैव? वी हैव 12 टेंसेस. Clear? How many tenses? 12. We have already, you know, main three tenses: present, past, and future. But in present, past, and future, each has four parts. How many? Four. Suppose I will say present tense. Present indefinite tense or habitual tense. Present continuous tense. Present perfect perfect tense and present परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. सो इसी तरह फ्यूचर के, इसी तरह पास्ट के, ठीक है. लेकिन इसमें फिर क्या है, मैंने यहाँ पर आपको वजाहत की है, बोर्ड ने इस सेक्शन पर आज है, इसमें वजाहत की गई है कि हम इसमें से कितने टेंसेस को इस्तेमाल में लाएंगे. यहाँ पर मैंने आपको बताया है, ठीक है, कितने? एट. समझ रहे हो? और फिर इस एट में जिस टेंस को हम नहीं लेते इससे पैसिव बनाने के लिए, वो कौन कौन से हैं? आर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस तीन बनते हैं. कितने बनते हैं? तीन बनते हैं. एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एक ये है. तो कितने बन गए हमारे पास? चार. 12 में से अगर चार को निकालें तो हमारे पास कितने रह जाते हैं? 8. ठीक है ना? मैंने आपको यहाँ ये भी बताया है ऑलरेडी कि टोटल टेंसेस 12 है. फिर 12 में जो टाइप्स इसके सेंटेंसेस टाइप है वो कितने हैं? 48 है. 48 किस तरह है? यानी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. यानी इनमें से नहीं, 12 में से हम कितने को लेते हैं? 8 को. 8 को यानी इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस ऑफ ऑल मींस प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस. क्लियर? एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. समझ रहे हो? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को भी हम पैसिव में तब्दील करते हैं.
अब इसके हमारे पास कितने स्टेप है, 1, 2, 3, 4 and 5 क्लियर। सबसे पहले जब हम टेंस की बात करते हैं या एक्टिव पैसिव की बात करते हैं तो ज़हन में रख के कि हम सबसे पहले किस चीज पर बात करेंगे, हम वर्ब पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास इन सब 8 टेंसों को जब हम पैसिव में तब्दील करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, हर टेंस के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। फिर दूसरी बात, जब इसमें हम स्टेप्स के जरिए आपको सिखाते हैं तो इसमें दूसरी अहम बात यह है कि हर टेंस के लिए हम पैसिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग होगी, अलग पहचान रखिएगा, ठीक है ना। फिर तीसरी बात इसमें क्या है, हर टेंस के सब्जेक्ट को जब हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो सब्जेक्ट को हम किस चीज में तब्दील करते हैं, ऑब्जेक्ट में तब्दील करते हैं। एवरी सब्जेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो। जब हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में तब्दील करेंगे, वही ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। चौथी बात, ये जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में पैसिव में तब्दील करते हैं तो हर ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं, समझ रहे हो। हर ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं। और पांचवी बात, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के तरफ ले जाते हैं तो उसमें जब प्रोनाउन मौजूद हो, क्लियर। सपोज मैं कहता हूं आई ईट एन एप्पल, व्हाट, आई ईट एन एप्पल, क्लियर। नाउ अगर मैं इसको पैसिव में कन्वर्ट करता हूं तो मैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाता हूं, एंड एन एप्पल इज ईटन बाय मी। नाउ जहां एक्टिव में ही आई था, अब पैसिव में ये क्या बन गया, मी में चेंज हुआ, ठीक है ना। तो आई मी में तब्दील होता है, ही हिम में, शी हर में, वी अस, क्लियर, दे दिस, और यू इट कैन नॉट बी चेंज्ड, इसकी हालत तब्दील नहीं होगी, समझ रहे हो। अब ज़हन में ये याद रखे कि ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये सब टेंसों में जब पैसे बनाते हैं तो सब पर लागू होगा सिवाय हेल्पिंग वर्ब के। हर टेंस के पैसे में ये होगा, हर टेंस के पैसे में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तरफ जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के तरफ आएगा। हर टेंस में जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तरफ चला जाता है तो बाय लगेगा। हर टेंस में ये चेंजेस आएगा, प्रोनाउन चेंजेस। वाहिद जो हमें याद रखना चाहिए वो कौन सी चीज है, वाहिद याद रखने के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है जिससे हम पहचान सके इसको कि ये अब कौन सा टेंस है। इससे हम क्या पहचान सकते हैं, जब हम इस 8 टेंसों को एक्टिव से पैसिव में तब्दील करेंगे तो वाहिद शनाख्त क्या होगी, वाहिद शनाख्त वो हेल्पिंग वर्ब की होगी, किस चीज की होगी, हेल्पिंग वर्ब की होगी। अब हम सेंटेंसेस के तरफ आते हैं, क्लियर, वेट। मैंने आपको वाजे बता दिया जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमारे पास सारी चीजें, ये 5 स्टेप्स जो मैंने किए ये सारे होंगे, तब्दीली आएगी सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में। कहां पर आएगी, हेल्पिंग वर्ब में। मैं आपको बताता हूं हर टेंस के लिए क्या कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस के लिए क्या आएगा, इज आर एम, ये क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। वन
present continuous tense में क्या होगा is are am being आएगा क्या आएगा या is being होगा या are being होगा या am being होगा ठीक है ना दो हो गए तीसरा present क्या perfect tense इसमें क्या होगा हैव या हैज बीन आएगा क्या आएगा या तो हैज बीन होगा क्लियर या हैव बीन होगा अब फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सब टेंसों के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर भी चेंज्ड तो हम पास्ट के तरफ आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या आएगा वॉज या वर आएगा समझ रहे हो अब पांचवें नंबर पर जो हमारे पास है वो क्या है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इसमें क्या आएगा was were being आएगा clear या was being होगा या were being होगा इसी तरह छठे नंबर पर past perfect tense में क्या आएगा had been आएगा क्या आएगा हमारे पास सिर्फ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा हैड बीन होगा ठीक है ना अब सातवें नंबर पर क्या है ये तीन हो गए पास्ट 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 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव तो हम फ्यूचर के तरफ पर आएंगे क्या फ्यूचर indefinite tense अच्छा इसमें क्या होगा इसमें will और should आएगा क्या आएगा इसके साथ be लग जाएगा will be और should be clear future बताया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आएगा विल शुड हैव विल हैव बीन क्या क्या आएगा विल हैव बीन या शुड हैव बीन आएगा क्या आएगा विल हैव बीन या शुड हैव बीन आएगा ये कितने हो गए ये 6 7 क्लियर और ये 8 तो हमें कौन कौन सी चीजें याद रखने हैं will have been, shall be or will be, इसी तरह had been, was being, was or were, has been or have been, clear, is or am being and is or am, ये कितने हो गए? 8, ये 8 helping verb हमने याद रखनी है, ये पहचानने के लिए कि जो tense है, ये कौन सा tense है? ये sentence कौन से टेंस से आया है ठीक है ना यह हम इस सेंटेंस को जब बदलते हैं कन्वर्ट करते हैं इनटू पैसिव तो सारे स्टेप्स तो एक जैसे हैं वाहिद चेंजेस जो आती है वो कहां पर है जिससे हम टेंस को सही लिखे तो वो ये चीजें हैं ठीक है अब इसके हम जुमले बनाते हैं क्या बनाते हैं जुमले बनाते हैं जुमले कैसे बनाएंगे अच्छा मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला लिखता हूं यहां पर आई ईट एन एप्पल मैंने क्या लिखा एन एप्पल अब दिस इज सब्जेक्ट ये क्या है ये सब्जेक्ट है ये क्या है
ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? क्या है? वर्ब है, ठीक है ना। इसको जब हम पैसे में तब्दील करते हैं तो सारी चीजें हम अप्लाई करेंगे। अब ये इसको हम यहाँ ले जाएंगे और इसको यहाँ ले आएंगे, ठीक है ना। हम लिखेंगे एन एप्पल। अब यहाँ हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर हमने इज लिखना है, आर लिखना है या एम लिखना है, क्योंकि इंडेफिनिट टेंस के पैसिव में इज आर एम आता है, ठीक है ना। तो एन एप्पल एक है तो हम क्या लिखेंगे? इज, ठीक है ना। मैंने क्या बताया कि हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ये वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। अब वर्ब की कौन सी हालत लिखेंगे? थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो ईट के फॉर्म थर्ड कौन सा है? ईटर, क्लियर। इज ईटर, ईटर लिख दिया। अब मैं ऑब्जेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे? बाय लगाएंगे। अब ये एन एप्पल यहां पर है तो ये यहां आ गया। ये जब वहां ऑब्जेक्ट के लिए हम लगाएंगे तो आई से क्या बन जाएगा? मी, ठीक है। अब इसी टेंस को अगर मैं यहां पर लिख लूं एन एप्पल इज बीइंग ईटन, तो ये कौन सा जुड़ा होगा? या मैंने क्या लगाया? इस बीइंग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए लिखते हैं हम। तो ये प्रेजेंट कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव सब्जेक्ट बन गए, ठीक है ना। क्या बन गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव बन गए, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या लिखता हूं? एन एप्पल। क्या क्या लिखते हैं यहां पर? हैज बीन ईटन, क्लियर। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। किस चीज के मदद से? हैज बीन की मदद से। ये प्रेजेंट टेंस मुकम्मल हो गया। इसमें तीन टेंसेस है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कैन नॉट बी चेंज्ड। अब पास्ट टेंस के तरफ आते हैं। एन एप्पल क्या? वॉज ईटन बाय मी। नेपल वॉज ईटन बाय मी। ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट। अब मैं यहां पर लिखता हूं एन एप्पल वॉज बीन क्या? वॉज बीन ईटन, क्लियर। अब ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस बन गया, क्लियर। अब कौन से? एन एप्पल हैड बीन क्या? हैड बीन ईटन। कौन सा टेंस बन गया? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कैन नॉट बी चेंज। सो हम अब क्या फ्यूचर के तरफ आते हैं, ठीक है ना। अब आप जो है एन एप्पल will be क्या? will be, ये future के लिए आया। eaten, an apple will be eaten, future indefinite tense, समझ रहे हो क्या? future indefinite tense। अब last sentence है क्योंकि ये कितने बन गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब लास्ट एट सेंटेंस, क्लियर। एन एप्पल विल हैव बीन क्या? विल हैव बीन, समझ रहे हो? ईटन। ये क्या फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन गया, ठीक है ना। तो सारे टेंस में सब चीजें अपनी जगह पर वैसे है, यानी ये थर्ड फॉर्म है, सब में बराबर थर्ड फॉर्म चले आ रहे हैं, सब में बाय सेंटेंस मौजूद है, सब में जो है क्या है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तरफ है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के तरफ आए हैं, उससे पहले
by लगाया गया है. वाहिद चेंज जो है हमारे पास वो कौन कौन से है, ये चेंजेस वाहिद है, बाकी जुमले में कोई चेंजेस नहीं है. कोई और चेंज है इसमें नहीं है. तो अगर हमने सिर्फ और सिर्फ पैसिव को सीखने के लिए इसके हेल्पिंग वर्ब को याद कर लिए तो हम सारे टेंसों को याद कर लेंगे, ठीक है ना. आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.